चाहे भले ही प्रदेश में राजनीतिक समीकरण इस बार बदले हैं और जयराम मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खासम खास रहे वर्तमान में प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर आज भी धूमल के समय में शुरू किए गए कार्यों को अमलीजामा पहनाने में जुट गए हैं। इसकी झलक हमीरपुर में आयोजित एक पंचायत के कार्यक्रम में देखने को मिली, जब पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पूर्व में धूमल सरकार के समय में पॉलिथीन बैन पर अपने भाषण में जनता से निवेदन किया कि जनता भी पूर्व में धूमल के समय में शुरू किए गए पॉलिथीन बैन के लिए सहयोग दे। साथ ही प्लास्टिक बैन होने पर कांग्रेस सरकार की ढील बरतने पर भी कंवर ने रोष व्यक्त किया और चेताया है कि अगर किसी ने प्लास्टिक को बढ़ावा दिया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही वीरेंद्र कंवर ने लोगों से यह भी अपील की है कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक एक दानव है जो कि पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहा है। वीरेंद्र कंवर हमीरपुर जिला के बस्ती जनियारा में एक स्वच्छता कार्यक्रम में आए हुए थे, जिस कारण वीरेंद्र कंवर अपने मन की बात को भाषण में बयान करने से पीछे नहीं हटे। भारतीय जनता पार्टी की 2007 से 2012 तक जो सरकार चली है, धूमल जी ने बड़ा कड़ा निर्णय इस ऊपर लिया था और पूर्व सरकार वीरभद्र सिंह जी सरकार ने इस को जो है वो कड़ाई से लागू नहीं किया गया है। वर्तमान सरकार जो है उसको कड़ाई से लागू करने जा रही है। हम जो इस पॉलिथीन का प्रयोग करने वाले हैं, जो इसको बढ़ावा देने वाले हैं, हम उनके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। गौरतलब है कि वीरेंद्र कंवर प्रदेश कैबिनेट में वह मंत्री हैं जिन्होंने धूमल के सुजानपुर में चुनाव हारने के तुरंत बाद ही अपनी सीट छोड़ने के लिए घोषणा की थी ताकि धूमल को सीएम बनाया जा सके और कुटलैहड़ सीट से दोबारा चुनाव करवाए जाएं। वहीं अब कैबिनेट मंत्री बनने पर अपने प्रिय धूमल की योजनाओं पर भी सख्ती से अमल करवाने के लिए मंत्री वीरेंद्र कंवर जी जान से डट चुके हैं।